हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन की लेडीज सॉक्स और देखिए इसे बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर की बूल ली है बूल थोड़ी सी हमारी मोटी है आप इसको मीडियम बूल से भी बना सकते हैं और टेन नंबर सलाई ली है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं इसमें फंदे डालूंगी फंदे मैं सिंगल बूल से ले रही हूँ ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए इस तरह से हम पचहत्तर फंदे लेंगे सेवेंटी फाइव फंदे लेके हम इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि भूल थोड़ी मोटी है अगर आप थोड़ी सी पतली बूल से बनाएंगे तो आप इसमें अस्सी फंदे ले सकते हैं इसी साइज के लिए और अगर आपको छोटी बड़ी करनी है तो आप चार फंदे कम कर सकते हैं बड़ी बनानी है तो चार फंदे ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे हम फंदे ले लेते हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने पचहत्तर फंदे ले लिए हैं सेवेंटी फाइव फंदे आप अपने हिसाब से ये पाँच और छः नंबर दोनों को आ जाएगी अगर आपको बड़ी करनी है तो आप चार फंदे और ज़्यादा ले सकते हैं और अगर आपको छोटी चाहिए तो आप चार फंदे कम कर सकते हैं तो इस तरह से आप छोटी और बड़ी दोनों बना सकते हैं अब देखिए हम यहां पे दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे ऐसे इस तरह से तो हम ये रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और उधर से भी ऐसे ही बनाएंगे ये देखिए यहां से उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली आप देखिए उल्टे तरफ से हम एक फंदा पहले उतारेंगे भूल अपने तरफ करेंगे इधर से भी हम इसे उल्टा ही बुनेंगे ऐसे दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बनाते जाना है और देखिए यहां पे ये छह रो हमें कंप्लीट करनी है सीधे तरफ इधर सात रो हो जाएंगे तो तेरह रो बना के हमें कंप्लीट करनी है दोनों तरफ की तो नीचे का पार्ट ये बन के कंप्लीट हो जाएगा तो हम बना लेते हैं फिर आपको आगे का दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार पांच छह छह रो बना ली हैं इधर से और देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात सात रो इधर से तो ये टोटल दोनों तरफ की तेरह रो बन के कम्प्लीट हो गई आप देखिए सीधे साइड हैं हम हम यहां से आप देखिए इस तरह से आप देखिए मैंने इन फंदों को तीन जगह डिवाइड कर दिया है बाईस फंदे मैंने इधर रखे हैं बाईस इधर रखे हैं और इकतीस फंदे में मैं डिज़ाइन डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले एक फंदा मैंने ये उतार लिया भूल अपने तरफ करूँगी यहाँ से देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस हम इसको इधर कर लेंगे ऐसे अब देखिए यहाँ से हम डिज़ाइन डालेंगे तो यहाँ पे हम देखिए एक फंदा सीधा ऐसे भूल को अपने तरफ और एक उल्टा एक सीधा आप चाहें तो एक रो नीचे से बना सकते हैं पहली रो से ही लेकिन हम इसमें सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे देखिए ऐसे इस तरह से भूल अपने तरफ एक उल्टा एक सीधा एक रो नीचे से ये देखिए यहां पे हम इकतीस फंदे ऐसे ही बनाएंगे ये देखिए एक रो नीचे से ये दोनों तरफ से आपको ऐसे ही बुनना है ये देखिए वैसे यहाँ से बुनते हैं लेकिन हम एक रो नीचे से इसमें बुनेंगे तो हम इकतीस फंदे तक पहले हम बना लेते हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने इकतीस फंदे मैंने बना लिए एक उल्टा और एक सीधा अब देखिए यहाँ से हम बोल अपने तरफ करेंगे और यहाँ से देखिए ये जो फंदे हैं इनको हम उल्टा बना लेंगे बाईस फंदे ऐसे तो पूरी रो हम ऐसे ही बुन लेंगे ये देखिए इधर से रो कंप्लीट कर ली पलट लेंगे आप देखिए यहां से हम इस फंदे को उतारेंगे भूल अपने तरफ पहले हम बाईस फंदे उल्टी रो में भी उल्टा बना लेंगे ऐसे तो हम ये रो बुन ले ये देखिए उल्टी रो में बाईस फंदे मैंने बना लिए आप देखिए हम आप मार्कर को हटा देंगे इसकी ज़रूरत नहीं है पता चलने लगा तो देखिए यहाँ से ये वाला फंदा जो है उल्टा पड़ेगा उसको हम उल्टा बुन लेंगे और इधर से जो सीधा बनेगा वो हम एक रो नीचे से बनाएंगे ऐसे ये देखिए भूल अपने तरफ उल्टा फंदा उल्टा और सीधा वाला एक रो नीचे से बुनेंगे ऐसे ये देखिए उल्टा उसके बाद सीधा एक रो नीचे से तो पूरी रो यहाँ तक हम इकतीस फंदे ऐसे ही बनाएंगे और ये वाले इधर के बाईस फंदे उल्टे बुन लेंगे तो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको ये देखिए उल्टी रो में मैंने ये फंदे बुन लिए हैं उल्टे आप देखिए यहाँ से हम फिर से ये बाईस फंदे पहले उल्टे बुनेंगे एक फंदा उतार के बोल अपने तरफ और यहाँ पे देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ये देखिए बाईस फंदे मैंने बना लिए उल्टे अब हम बूल को पीछे करेंगे जो ये वाले फंदे हैं देखिए इनको अब हम मैं फिर से इसी तरीके से बनाऊंगे ये देखिए इधर से एक रो नीचे से सीधा वाला फंदा उल्टा सिंपल बुनेंगे बुल को पीछे करेंगे जो सीधा है देखिए उसको हम एक रो नीचे से बुनेंगे ऐसे ये देखिए ये इकतीस फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे ये देखिए इसको हम एक रो नीचे से बुनते जाएंगे तो देखिए इस तरह से ये डिजाइन आ जाएगी एक उल्टा और सीधा एक रो नीचे से आप देखिए हम इसी तरीके से ये वाले फंदे जो हैं इनको हम एक उल्टा बुनेंगे और एक एक रो नीचे से बुनेंगे सीधा वाला दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बनाना है यहाँ तक ये वाले उल्टे उल्टे बनाएंगे तो यहाँ पे हम टोटल 18 से लेके बीस रो बनाएंगे तो हम बना लेते हैं फिर आपको आगे का दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने ये अठारह रो बना के कम्प्लीट कर ली है अब देखिए हम पूरी रो एक उल्टा बना देंगे सभी फंदे उल्टे बुन देंगे यहां से एक फंदा उतारा और देखिए ऐसे तो ये यहाँ पे बाईस फंदे उल्टे हैं इनको भी और आगे के फंदे जो मैंने डिजाइन डाली है उनको भी हम उल्टा ही बुन देंगे ये देखिए ऐसे ये देखिए यहाँ तक ये बना लिए अब देखिए ये डिजाइन वाले फंदे हैं इनको भी हम पूरी रो लास्ट तक उल्टा बुनेंगे ऐसे तो हम बना लेते हैं इन फंदों को भी उल्टा बुनेंगे और इधर के फंदे यहाँ तक और उल्टी रो भी पूरा उल्टा बना लेंगे ये देखिए मैंने एक रो इधर से उल्टी और एक रो इधर से उल्टी सभी फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन लिए दो रो बना के कंप्लीट कर ली अब देखिए इस रो में हम ये बाईस फंदे पहले बोनेंगे आगे के जो फंदे हैं इनमें हम दो का एक करेंगे ये देखिए चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह 19, बीस इक्कीस बाईस ये देखिए अब यहाँ से ये डिज़ाइन जहाँ से डाली थी यहाँ से अब हम दो का एक करते हुए जाएंगे. अगले यहाँ तक जहाँ तक मैंने डिजाइन इधर डाली है ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये देखिए पंद्रह टाइम मैंने ये दो का एक कर दिया लास्ट का एक फंदा जो है यहाँ पे मेरे पास देखिए इस तरह से इकतीस फंदे थे तो लास्ट का हम इस फंदे के साथ दो का एक कर देंगे ये देखिए अब देखिए हम यहाँ से पूरी रो इधर के फंदे उल्टे और इधर से कोई फंदा नहीं घटेगा यहाँ से हम पूरी रो उल्टा बना लेते हैं ये देखिए यहाँ पे उल्टी रो मैंने पूरा उल्टा बना ली है और बाइस फंदे ये सीधी तरफ से उल्टी बना लिए हैं उल्टी रो में कोई फंदा नहीं घटाया अब देखिए हम फिर से यहाँ पे दो का एक करते हुए जाएंगे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच सात और देखिए इस तरह से ये आठ इस तरह से ये फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए अब देखिए ये वाले फंदे हम उल्टे बनाएंगे ऐसे तो इधर के हम बाईस फंदे पहले बुन लेते हैं ये देखिए यहाँ तक मैंने रो कंप्लीट कर ली पलट लेंगे अब उल्टी साइड आ गए हैं तो यहाँ से हम एक फंदा पहले उतारेंगे भूल अपनी तरफ इधर से हम पूरी रो उल्टा बुन देंगे लास्ट तक इसमें कोई फंदा नहीं घटाना है आपको तो इसे हम कंप्लीट करते हैं उल्टी रो कंप्लीट कर ली मैंने अब सीधी रो पे आ गई हूँ तो इस रो को हम ऐसे ही उल्टा बना देंगे यहाँ तक कोई फंदा नहीं घटाएंगे सीधी रो में इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे बिना कोई फंदा घटाए लास्ट तक इसको बना लेंगे ऐसे ये देखिए सीधी तरफ से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली आप देखिए हम यहाँ पे ये यह देखिए मेरे पास एक दो तीन चार चार रो आ गई हैं यहाँ पे उल्टी अब हम यहाँ से सभी फंदे बंद कर देंगे ऐसे दो का एक करते हुए ये देखिए मीडियम बंद करना है बहुत ज्यादा टाइट नहीं बहुत ज्यादा लूज नहीं तो हम कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से हमने सभी फंदे बंद कर दिए हैं अब देखिए सीधा तरफ हम अंदर कर लेंगे अब हम इसको सिलेंगे तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके एडी तक एड़ी से लेके पंजे तक तो देखिए जो फंदा मैंने उतारा है हम उसी को ले रहे हैं ऐसे देख सकते हैं आप यहाँ से ऐसे मिलाते हुए इसको पूरा सिल देंगे ये देखिए ये देखिए यहां से लेके यहां तक अब देखिए ये वाली डिजाइन ऐसे यहां पे मिलाते हुए इधर भी से लेंगे ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको सिल लिया अब यहां पे हम इसे पक्का करेंगे ऐसे ताकि ये खुले नहीं थोड़ा सा और हम इसे अच्छे से टांक देंगे ये देखिए अब हम यहां से ये वाली बूल कट कर देंगे हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूं